वो स्याही है दबात की तो मैं कलम की धार हूँ। वो स्याही है दबात की तो मैं कलम की धार हूँ। यदि है वो क्षणिका कोई तो मैं श्रोताओं का प्यार हूँ। यदि है वो क्षणिका कोई तो मैं श्रोताओं का प्यार हूँ। राधे कृष्णा, भैया ने नाम तो बता ही दिया, तान्या सिंह। अभी मुझे शायद कल परसों में किसी भैया ने कॉम्प्लीमेंट किया कि आपसे मिलके ऐसा लगेगा कि आधुनिक मीरा से मिले। तो कृष्ण भक्त के नाम से वैसे जानते हैं लोग। बाकी मैं एमएससी कर रही हूँ, फाइनल ईयर है फिजिक्स से। हमेशा प्रेम से शुरुआत करती हूँ, लेकिन इस बार करती हूँ प्रीति से कि किस अगर किसी से मित्रता है या प्रेम है या कोई रिश्ता है तो कैसा नहीं होना चाहिए से लेकर कैसा होना चाहिए वहाँ तक। तो सुनिएगा कि प्रीति ना ऐसी कीजिए जस खीरा ने कीन, कि प्रीति कभी भी खीरे की तरह मत कीजिए। प्रीति ना ऐसी कीजिए जस खीरा ने कीन, बाहर से तो दिल मिला और भीतर फांके तीन। बाहर से तो दिल मिला और भीतर फांके तीन। जो प्रीति होगी मीरा सी तो कृष्ण को आना होगा। जो प्रीति होगी मीरा सी तो कृष्ण को आना होगा। जो रिश्ता मानो श्याम से तो हृदय से निभाना होगा। हूँ नहीं मैं मीरा, कलयुग की कन्या हूँ। इस बात पर पॉइंट आउट मत कीजिएगा, इस मुझे भी मतलब मीरा बाई कलयुग की थी, पर इस लाइन से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि वो परिशुद्धता जो उस वक्त कलयुग में थी वो अब नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं, तो वो समझिए कि हूँ नहीं मैं मीरा, कलयुग की कन्या हूँ, फिर भी प्रीति तुमसे है। कहना बस इतना चाहूँगी कि प्रीति ऐसी कीजिए जस मीरा ने कीन। प्रीति ऐसी कीजिए जस मीरा ने कीन, विश्वास के दम पर विषपान किया और कृष्ण प्रेम में नृत्य कर कृष्ण में हो गई लीन। और कृष्ण प्रेम में नृत्य कर कृष्ण में हो गई लीन। मन तो बहुत अशांत है पर शांत सी हो जाऊंगी। मन तो बहुत अशांत है पर शांत सी हो जाऊंगी। उद्विग्न मन निढाल सा तन पर सब कुछ शांत करने का प्रयास तो कर ही जाऊंगी। खोसा दिया है अस्तित्व अपना, कभी लिखती कभी मिटाती, खोज रही हूँ लफ्ज़ों में अस्तित्व अपना। कर कहीं से भी मगर आगाज़ करना सीख ले। कर कहीं से भी मगर आगाज़ करना सीख ले। भावनाओं को रख थोड़ा बस में, नज़रअंदाज करना सीख ले। ताउम्र नहीं सुनने वाला तुमको कोई यहाँ। ताउम्र नहीं सुनने वाला तुमको कोई यहाँ, इसलिए या तो हो जा खामोश या फिर स्वयं से बात करना सीख ले। या तो हो जा खामोश या स्वयं से बात करना सीख। हमेशा राधा कृष्ण के लिए लिखती हूँ, ये शायद लास्ट इवेंट है, अब एग्ज़ाम के बाद ही आऊँगी अगर आना होता है तो। थोड़ा प्रेम से रिलेटेड लिखा था, अस्तित्व की बात हुई तो उससे रिलेटेड लिखा था कि मैं पतझड़ की डाल हुई वो पत्तों सा बिखर गया। मैं पतझड़ की डाल हुई वो पत्तों सा बिखर गया। मैं जलते हुए धागे सी वो मोम बनकर पिघल गया। मोम बनकर पिघल गया। अगर कोई सीरियस रिलेशनशिप होती है और वो ब्रेक होती है तो शायद कास्टिज्म की वजह से होती है मिडिल क्लास फैमिली में। तो ये शायद दूसरी बार मैंने कोशिश की है केबी सर की फॉर्म में लिखने की। आवाज़ तो अच्छी नहीं है पर शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि मजहब जाति के चक्कर में रिश्ता टूट जाता है। कि मजहब जाति के चक्कर में रिश्ता टूट जाता है। मिले कोई जो प्यारा सा वो भी छूट जाता है। किसी को हो किसी से प्यार रहे मजबूत वो इतना। किसी को हो किसी से प्यार रहे मजबूत वो इतना। कभी टूटे है केवल दिल कभी सब टूट जाता है। कभी टूटे है केवल दिल कभी सब टूट जाता है। मिले कोई जो प्यारा सा वो भी छूट जाता है। आगे लिखा था कि भागम भाग के चक्कर में जीवन छूट जाता है। कि भागम भाग के चक्कर में जीवन छूट जाता है। देखती हूँ जो कोई ख्वाब वो भी टूट जाता है। तेरी मुस्कान मेरे जीने का साधन है। ये पंक्ति मेरी माँ के लिए, घर से रह रही हूँ 200 किलोमीटर दूर,
कि तेरी मुस्कान मेरे जीने का साधन है, अगर तुम रूठ जाती हो मेरा रब रूठ जाता है, अगर तुम रूठ जाती हो मेरा रब रूठ जाता है। ठीक है, अंतिम दो पंक्तियाँ हैं, ये दो चार जो भी हैं। तो हो संख्या एक से कम तो सभी धन मूल ज़्यादा हो, हो संख्या एक से कम तो सभी धन मूल ज़्यादा हो, कूल कम जूल ज़्यादा जूल कम तो कूल ज़्यादा हो शीतल शीघ्र अंतर ताप का जिसमें महत्तम हो शीतल शीघ्र अंतर ताप का जिसमें महत्तम हो, बाह्य समताप में हो कूल जिसमें जूल ज़्यादा हो, बाह्य समताप में हो कूल जिसमें जूल ज़्यादा हो। कि प्रेम प्रेम चिल्लाएं सब पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम प्रेम चिल्लाएं सब पर प्रेम न जाने कोई, प्रेम में सब संयोग चाहे पर त्याग न चाहे कोई, पर त्याग न चाहे कोई। थैंक यू।